वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के आई है, अपडेट कह सकते हो आशिकी 3 को लेकर। तो भाई आशिकी 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बहुत ही जल्द इसकी शूटिंग शुरू भी होने वाली है। जैसा कि इसके डायरेक्टर हैं अनुराग बासु और म्यूजिक दे रहे हैं प्रीतम चक्रवर्ती। वहीं अगर इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो आशिकी 3 में जो मेन लीड हीरो में दिखाई देंगे कार्तिक आर्यन और उनका साथ देती नजर आएंगी सारा अली खान। जी हां, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की ये दूसरी मूवी होगी, दूसरी बार ये लोग स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इनकी पहली मूवी थी लव आजकल 2, जो कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और बहुत बुरी चली थी, मतलब लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं की थी इन दोनों की जोड़ी। लेकिन जब इनकी जोड़ी पहले नहीं चली तो यार अब चलना क्या तय है। और उस वक्त में जिस टाइम पर इतने बड़े बड़े हीरोज की मूवी आ रही है जो 200 300 400 500 करोड़ तो यूं ही चल जाती है, सिवाय इसके कि वो कार्तिक आर्यन है, तो सिर्फ कार्तिक आर्यन को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेना कि भाई इन दोनों की जोड़ी अगर पहले नहीं चली तो अब क्यों चलेगी। तो अनुराग बासु काफी बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन क्या पता उनकी मूवी हिट हो जाए, क्योंकि कार्तिक आर्यन मूवी में और इस टाइम पे कार्तिक आर्यन का दौर चल रहा। उनकी भूल भुलैया 2 जबरदस्त बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन कर पाई। हालांकि अभी उनकी एक मूवी और रिलीज हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पे, फ्रेडी। उस मूवी के अंदर भी कार्तिक आर्यन ने काम अच्छा करा था और अच्छी खासी चल गई थी, लोगों ने पसंद किया था उनका काम। तो इस वजह से अब कार्तिक आर्यन के जो उठ चुके हैं सितारे, तो भाई अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इस मूवी के अंदर हमें कुछ अलग दिख पाएगा या वही आशिकी 2 जैसी कहानी हमें देखने को मिलेगी। तो अब ये तो हम टीजर या ट्रेलर देखने के बाद ही आपको बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहें, आगे जो भी अपडेट मिलेगी इस मूवी की वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।